हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. गुड मॉर्निंग. सेकेंड डे ऑफ न्यू ईयर, 2nd जनवरी. और 2nd जनवरी लास्ट डे है. वो जो हम हैप्पी हॉलीडेज बोलते हैं ना, कि क्रिसमस की छुट्टियां हैं, न्यू ईयर की छुट्टियां हैं, उन सबका लास्ट डे आज छुट्टियों का. कल से डेली रूटीन अपनी कनाडा में शुरू हो जाएगी. कनाडा में क्या, पूरे वर्ल्ड में शुरू हो जाएगी. वही ऑफिस शुरू हो जाएगा, वही ऑफिस जाना, वही डे केयर जाना, स्कूल जाना. तो एमी की छुट्टियां भी कुछ दिन है, तो एमी का हमने डे केयर लिया नहीं हुआ. तो प्लान ये है कि अमित अपने ऑफिस एमी को लेकर जाएंगे, बिकॉज हमें एमी का 3rd, 4th, 5th का डे केयर मिला नहीं, सीट्स अवेलेबल नहीं थी. और लकीली ये 3 दिन अमित के बहुत लाइट रहने वाले हैं. एक्चुअली पता है, ये छुट्टियां वो थी जिसमें एवरी सिंगल डे वी हैड प्लान्स. तो आज का प्लान है नादिया और मिर्जा, जो हमारे एक पाकिस्तानी फ्रेंड्स हैं जो दुबई से मूव हुए हैं कनाडा में. आप उनको मेरे 2 व्लॉग्स में देख चुके ऑलरेडी. उनके घर आज लंच का प्लान है, तो हम बस निकल रहे हैं उनके घर जाकर आपको उनसे मिलवाते हैं. गाइस, मैं विनर्स पे आई थी नादिया की डॉटर के लिए कोई गिफ्ट उठाने के लिए. मुझे लगा निकलते हुए फटाफट से कुछ पिक करते जाएंगे, और एक्चुअली मैंने फटाफट से कुछ पिक कर भी लिया. लेकिन बिलिंग की लाइन में मुझसे आगे पता है कितने लोग हैं. मेरा नंबर 19 है. नादिया हमारे घर ना क्रिसमस पार्टी में बहुत लेट आई थी, बहुत लेट. 2:30 बजे की पार्टी थी और वो लोग 4 बजे आए थे. और मैंने उनको इतना बोला था ना कि तुम इतनी लेट क्यों आए हो. और अब हम 1 घंटा लेट पहुंच रहे हैं. हमारा पहुंचने का टाइम था वहां पर 2 बजे का, और हम लोग 3 बजे पहुंच रहे हैं. मेरे को इतना लग रहा है, मैं नादिया को बोलूंगी कि देख, क्योंकि तुम लेट आए थे इसलिए हम लेट आए हैं. हाँ, हम और भी लेट जाए ना, हम 1 घंटा लेट क्यों जाए, थोड़ी और लेट जाए क्या यार. I'm feeling embarrassed. लंच में पहुंच रहे हैं हम लोग 3 बजे, लंच का टाइम था. पहुंच गए गाइस हम नादिया के घर पे. वो लोग हाई राइज बिल्डिंग अपार्टमेंट में रहते हैं. बहुत टाइम के बाद हम किसी हाई राइज बिल्डिंग में जा रहे हैं, तो बफर कोड लेना होता है, ये भी याद नहीं था हमें. तो अभी कॉल करके उनसे बफर कोड लिया है हमने. तो जब आप यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग अपार्टमेंट में आते हो, दुबई में ऐसा नहीं था. मतलब दुबई में तो हम खुद हाई राइज में रहे हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाले होते थे. हाँ, दुबई में सिक्योरिटी ऑफिस होता है ना, सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे होते थे नीचे, तो वो पूछ रहे थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है. बट यहाँ कनाडा में क्या होता है, जिस भी अपार्टमेंट में आप जा रहे हो, वो लोग आपको बफर कोड देते हैं. तो आपको बफर प्रेस करना होता है और फिर गेट खुलता है. Yes, boss. खुल गया, गेट ही खुल गया. ओए, ऐसा लग रहा है कि हमारे घर से उठकर यहाँ पर आ गए हैं. अभी जाते हुए तुम्हारे को लेकर जाएंगे हम, ठीक है, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ. एमा, ये हमारे वाले है ना. हेलो, हाउ आर यू. मुझे वो हो रहा था कि आज मैंने वेज करना है, तो बट फिर भी थोड़ा सा चिकन डाला था अमित खाने में. हाँ, दोनों ये दाल वालों के लिए हमारे, देखो हमें सहना पड़ता है. वेज के लिए बड़ा सोचना पड़ा कि यार. दिख रहा है आपने बहुत तैयारियां कर रखी हैं. कल भी मुझे नहीं कर दिए. भाई खाना इतना यमी है, मतलब मुझे तो शर्म आ गई. मैं विभूतियों के घर पे गई थी, वो इतना यमी खाना बनाया था उसने. नादिया ने तो जबरदस्त खाना बनाया है. दही बड़े भी है, बिरयानी राइस है. मतलब वो कह रही है पुलाव है, बट मेरे को टेस्ट पूरा बिरयानी का आ रहा है. और चना सैलड है, और दाल नहीं, पालक आलू है. इतना सारा कुछ बनाया है. वो इन लोगों के लिए चिकन विकन भी बना रखा है, वो मैं कंसिडर नहीं करती हूँ. नहीं, हम तो करते हैं, हम तो वही खा रहे हैं. मुझे मेरे खाने का ना, जो कुकिंग का वो है लेवल, वो थोड़ा अप करना पड़ेगा. घर पे तो बंदर का जाने का स्वाद, जो भी ये गाड़ी से उतर कर ऐसे. देखो कोई आ गया आपको पुश करने के लिए. वाओ, ये तो राज और सिमरन की वाइफ आ गई है. ये वो म्यूजिक है जिसके ऊपर कॉपीराइट भी नहीं आएगा हमारा.
जितना डेडिकेटेड वैभव अपने फ्यूचर करियर को लेकर है ना, उतना कोई भी नहीं है। देखो नादिया के घर पर आकर भी वैभव ने बोला दीदी चाय मैं ही बनाऊंगा, मेरा ब्लॉग भी बनाओ। स्पॉन्सर भी तो ढूंढने यार बिजनेस के लिए, इन्वेस्टर स्पॉन्सर्स। और अब तो वैभव देखो सजेशंस भी आने लग गए हैं नाम के चाय वाली शॉप के। वाई चाय भाई है। ये बता किंगस्टन से आने का रीजन क्या था भाई वापस एक ही दिन में? तो हमारे बिना 20 घंटे नहीं रह पाया वैभव, मतलब अभी तो एक दिन छोड़कर आया, अगले दिन तो वापस आ गया। इतना याद आ गया मेरे को जाती है कि रात में मेरा मन ही नहीं लगा, मैं सुबह उठ के चाय नहीं मिलेगी यार, ये तो बड़ी गलत बात है। मैं भाग के वापस आ गया, ना नाश्ता किया, ना कुछ, ना ब्रश किया, बैग पैक किया सीधा, सारा सामान रखा, दो चार कपड़े उठाया और वापस विटरी सीधा बस पकड़ी और आ गया। अब वापस कब जाना है? ओरिएंटेशन वाले दिन सीधा सुबह सुबह निकलूंगा सीधा ओरिएंटेशन में। After 3.5 hours, after lot of yummy food and lot of yummy talks, अब हम जा रहे हैं वापस। Thank you so much for the great hospitality. अब हमारा स्कोर हो गया 2:1 का है ना? पहले 2:0 था, अब 2:1 हो गया, तो अभी हम लोग 3:1 कर देंगे, 4:1 कर देंगे, क्या हो गया? हमें हारने में कोई शर्म नहीं है। तो अब हम नादिया से और मिर्जा से मिलेंगे अपने घर बिडबी में अगली बार, ठीक है? और तब तक के लिए नादिया को और मिर्जा को टेक केयर, बाय, हमसे मिलना अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ना ख्याल रखना। गाइस हम मिसेस आगर से विडबी जाते हुए रास्ते में ये पड़ गया, दिख रहा है क्या पड़ गया? नहीं वैभव नहीं, यॉर्कडेल मॉल। और अभी शाम के बजे 6:30-7:30, तो आज मॉल्स बंद हो रहे हैं 9 बजे। तो हमने कहा यार 2 घंटे है, आखिरी छुट्टी है, एक यॉर्कडेल मॉल का चक्कर तो बनता ही है, बिकॉज यहाँ पे ज़ारा है और ज़ारा की सेल चल रही है। सेफोरा पे देखते आएंगे अगर हम अपना शॉपिंग हॉल बना सके तो, उसके लिए ना टाइम चाहिए थोड़ा, बट देखते हैं। और दुख इस बात का हो रहा है कि सेफोरा पे सेल थी January 1st तक फ्लैट 20% ऑफ, वो आज ही खत्म हुई है। और वैसे January 1st तक टाइम नहीं मिला जाके स्पेशली एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने का, बट अब देखते हैं। 1.5 घंटा तो यार यॉर्कडेल मॉल घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे साथ में, चलो चलते हैं। गाइस मैं ज़ारा पे हूँ, सेल बहुत बढ़िया है। ओशवा सेंटर में भी सेल थी लेकिन वहाँ इतनी वैरायटी नहीं थी। यॉर्कडेल मॉल में ज़ारा का स्टोर बहुत बड़ा है। ये देखो ये ड्रेस देखी है मैंने, आपको मैं फ्रंट कैमरा से दिखाती हूँ। दिस इज फॉर $49, मेरे को लग रहा है ये मैं ले रही हूँ, ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है अगर फिट आ गया तो। ये देखो मेरे ख्याल से ये मेरी अगले साल के न्यू ईयर पार्टी की ड्रेस हो जाएगी। गाइस सी दिस ड्रेस, ये $60 की थी, 59 की, और अब सेल में ये 39 की लगी हुई है और ये स्मॉल साइज है, सो आई विल ऑल्सो ट्राई दिस वन। गाइज हम यॉर्कडेल मॉल आए हुए हैं ना, तो यहीं से मुझे अपना लैपटॉप पिक करना था। दो मेरा प्लान ये था कि मैं उसको पिक करने आऊँगा ही नहीं, क्योंकि उनके जो ईमेल आई थी मेरे पास उस पर लिखा हुआ था कि इफ़ यू डोंट पिक द आइटम इन 7 डेज दे विल कैंसिल द ऑर्डर एंड इशू अ रिफंड। बट मैं सोच रहा हूँ तब की वेट क्यों करनी, यॉर्कडेल में आए हुए हैं, एप्पल स्टोर यहीं पर है, यहीं से पिक करना था, तो एक बार जाकर ट्रांजेक्शन कैंसिल करा लेते हैं और अपना जो भी मिलना है अमाउंट उसको क्रेडिट करवाते हैं अपने कार्ड में। आई जस्ट होप कि बिलिंग में इतने सारे लोग नहीं होंगे, मुझे तो बिलिंग में ही जाना है सीधा, मुझे कोई कुछ देखना तो है नहीं। सो इट्स डन, एक बार पिकअप करना पड़ा था, उसके बाद उन्होंने कैंसिल किया ऑर्डर, लाइक कैंसिल नहीं कर रहे थे वो ऑर्डर, तो उन्होंने बोला कि आप इसको ले लो फिर रिटर्न कर दो। तो मैंने कहा ठीक है यार कर लो जो करना है, तो मेरे हाथ में भी नहीं आने दिया यार, उन्होंने बस निकाला मेरा ID देखी और उसको अंदर से लेकर आए, उसकी सील खोली और फिर उसको कैंसिल, उसको वो लिखकर रिटर्न लिखकर वापस बंद करके रख दिया। दैट्स इट एंड आई एम डन। एक्चुअली ये ड्रेसेस के ऊपर चलता है ऑफिस में, ये देखो ये भी $29 की है, शॉर्ट शॉर्ट में, ये टॉप वैसे भी $39 की होगी, ठीक ठाक लग रही है, मुझे पता नहीं कैसे कैरी हो रही, ऊपर एमी के लिए भी उठाई थी, दोनों साथ पहन लो। ये $40 की, ठीक है, मतलब पार्टीज वगैरह के लिए करते हैं। मेरे लिए तो मुझे ये बहुत अच्छी लगी है, अब इसमें टैग उतरा हुआ है, पता नहीं वो कितने के लगाएंगे, ये अच्छी लगी है मुझे। एक मेरे को लग रहा है कि एक पार्टी में ड्रेस हो जाएगी, ठीक है ना, ले लेते, बट ये ब्लैक कलर है, अगर कोई और कलर होता तो मैं भाग कर ले लेती। ब्लैक ही तो अच्छा लगता है पार्टी में।
और एक व्हाइट वाली है, व्हाइट वाली मुझे ठीक ठाक लग रही है, ब्लैक ठीक है, वो ठीक है, चलो ठीक है मैं इसको रख दूं। पर बाकी जो तुम्हें जो तुम्हारा मन हो वो लेना। आई नो किसका डर है, चलो ठीक है मैं ये व्हाइट रख देती हूँ। फाइनली मैंने अपना ओवरकोट ले लिया, मतलब 3 साल से जो मेरी टू डू लिस्ट पे था ना कि मुझे ओवरकोट लेना है, आई बॉट इट, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है। वो वाला नहीं लिया 250 वाला जिसकी हम वेट कर देंगे वो सेल में आए और मैं लूँ, लेकिन एक $99 का लिया है जो ब्लैक कलर का है, और मेरा फिटिंग उसकी बहुत अच्छी आई है। जितनी अच्छी फिटिंग वो 250 वाले की थी ना उतनी अच्छी फिटिंग आई है। अभी खोल के दिखा नहीं रही हूँ आपको, कल पहन लूँगी फिर देख लेना यार, लेकिन आई एम हैप्पी मैंने ओवरकोट ले लिया और $100 से कम में लिया, मतलब $99 का लिया। इसके अलावा मैंने वो आपको ड्रेस दिखाई है ना ब्लैक कलर की सीक्वेंस वाली, वो भी ले लिया मैंने, वो 49.99 की थी, और एक परफ्यूम लिया। टोटल मैं $195.99 सारा पे चढ़ा कर आ रही हूँ। अब चलते हैं हम सिफोरा यहीं पे ही है, $250 है मेरे पास सिफोरा के, जो हमें क्रिसमस पार्टी पर मिले थे गिफ्ट, याद होगा आपको। मुझे एक तो अपनी अरमानी की वो लेनी है, फाउंडेशन लेनी है, वही $80-90 की आ जाएगी, तो देखती है $250 में हम सिफोरा पे क्या क्या ले सकते हैं, चलते हैं। मुझे किसी ने कहा था कि सिफोरा पे यहाँ पे कौन कौन से ब्रांड्स मिलते हैं वो भी बताना, तो गाइस आपको टूर दे रहे हैं सिफोरा का, ब्रांड्स आप खुद चेक कर लो कौन कौन से मिलते हैं। नार्स की फाउंडेशन भी बहुत अच्छी होती है, गुडो तो यही यूज करती है। अंबानी का परफ्यूम नहीं फाउंडेशन लेनी थी। आई नो मेरा ट्राई करने में क्या है। आज मैंने अरमानी की फाउंडेशन ट्राई करनी है, डियोर की ट्राई करनी है, और फेंटी की ट्राई करनी है। डियोर की तो मुझे वो लास्ट सेल्स गर्ल थी ना वहाँ पे हटसन बे पे, उसने सजेस्ट किया था कि डियोर की लो, लेकिन मेरी एक सब्सक्राइबर है दर्शन, वो पाकिस्तान से है, उन्होंने मुझे बोला कि शिल्पा सारी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो होती है ना वो अरमानी की फाउंडेशन यूज़ करती है या फिर फेंटी की यूज़ करती है, तुम इस बार वो लेना। तो मैं अरमानी की देखने के लिए आई हूँ, $82 की है, तो अरमानी की लेकर हो सकता है मैं ये फील करूँ कि मैं सेलिब्रिटीज वाला फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। You need experts help. तो गाइस अरमानी पड़ रहा है फाउंडेशन एक $82 से $85 में, और जो और का रहा है $65 में, तो ये अराउंड $20 के आसपास सस्ता है अरमानी से। तो अब जो तीसरा रिकमेंडेड फाउंडेशन मुझे था फेंटी ब्यूटी का, फेंटी ब्यूटी की यहाँ पे फाउंडेशन मिल रहे हैं हमें कितने के भाई $51 के, तो सबसे सस्ता फेंटी ब्यूटी है 51 पे, डियोर 65, और फिर अरमानी 82 से 85 की रेंज है अरमानी की, अरमानी लेते हैं। एक तो ये है, एक ये है, और एक ये है, अगर पता चल रहा है तो अलग अलग। मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारा हाथ है ये, और कुछ पता नहीं चल रहा। अब पता चल रहा है दोनों में हाथ फर्क या मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, किसी और से एक्सपर्ट से पूछो, मुझसे मत पूछो प्लीज। तो मैंने उनको बोला आई एम कंफ्यूज बिटवीन अरमानी एंड डियोर कि दोनों में फ़र्क क्या है, और मेरी स्किन के साथ कौन सा कलर जाएगा, कौन सा बेटर है, क्योंकि ऐसा ना $82 स्पेंड कर दूँ मैं एक फाउंडेशन पे, मैं बार बार परफ्यूम क्यों बोल रही हूँ, $82 स्पेंड कर दूँ मैं एक फाउंडेशन, तो पता चला कि वो राइट स्किन टोन ही नहीं आया है, या फिर डियोर मेरी स्किन के लिए बेटर था, तो वो किसी को ढूंढने के लिए गए हैं एंड देन हेल्प मी आउट। उन्होंने मुझे बोला है कि अगर आपको पार्टी लुक चाहिए, ल्यूमिनस लुक चाहिए, बड़ा ही शाइनी लुक चाहिए तो वो विद अरमानी, मगर जो कैमरा लुक है ना वो डियोर का अच्छा है, और आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो यस दो आई वॉन्टेड टू बाय अरमानी, ट्राई अरमानी, लेकिन मेरा पर्पज फॉलो था यही, मुझे ना लास्ट टाइम भी किसी ने बोला था जब मैं वहाँ गई थी हडसन बे पे, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि आपके नीड्स के हिसाब से डियोर वुड बी द बेस्ट, तो यहाँ पर भी एक सेल्स गर्ल ने यही चीज़ कंफर्म करी है, तो नाउ आई एम गोइंग विद द एक्सपर्ट्स और आई एम बाइंग डियोर। गाइस जिसको कहते हैं ब्रांड भी अट्रैक्ट कर लेना, जब मैं एंटर की थी तो आपको नार्स दिखाया था और बोला था कि नार्स के फाउंडेशन भी बहुत अच्छे हैं, गुडुदी भी यही यूज़ करती है,
आई वॉन्ट टू बाई डियोर और अरमानी अरमानी उसने मुझे सजेस्ट नहीं किया जो यहाँ पर ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं. डियोर पे मेरा परफेक्ट मैच नहीं मिला जो मेरा स्किन कलर है. वी फाउंड द परफेक्ट मैच लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और किसी भी आसपास के स्टोर में अवेलेबल नहीं है. तो उसने मुझे बोला कि नार्स इज इक्वली गुड एज डियोर और रेट भी एक ही है. डियोर की फाउंडेशन है $65 की है, नार्स की भी $65 की है. तो अब नार्स पे मुझे मेरा शेड मिल गया. तो दिस टाइम आई एम ट्राइंग नार्स. तो मैंने लैंकॉम ट्राई कर लिया है, मैक ट्राई कर लिया है और अब नार्स ट्राई करके देख लेते हैं. फिर देखते हैं कि अगली बार डियोर खरीदने की जरूरत पड़ेगी या आई विल री बाय नार्स. और इसके अलावा मैंने उनसे प्राइमर का भी पूछा कि भाई बेस्ट प्राइमर कौन सा है मुझे ये बताओ. तो शी सजेस्टेड मी कि प्राइमर अच्छा जो है ना वो मैक का है. तो मैक का ये स्टूडियो फिक्स मैट फिनिश लिया है मैंने और ये $42 का है. गाइस मुझे ये भी रिकमेंडेशन आई है कि चार्टे का कंसीलर जो है वो बेस्ट है. तो मैं कंसीलर भी यहाँ पर देखने आई थी कितने का मिल रहा है. तो ये है 3-in-1 चार्टे का फाउंडेशन मॉइस्चराइजर कंसीलर और ये मिल रहा है $51 में. गाइस अनदर थिंग आई रियली रियली वांटेड टू बाय वाज ये नार्स का लिक्विड ब्रश और ये है $39 का. मगर ये लोग मुझे बोल रहे हैं कि 2 महीने से आउट ऑफ स्टॉक है इन स्टोर फॉर दिस और मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहिए. तो अभी हम ये 2 चीज़ें खरीद रहे हैं, बाकी चीज़ें मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी और जब आ जाएंगी उसका हॉल आपको तब दिखाऊंगी. चलते चलते भी कुछ ढूंढ ही लेती हो तुम. यार मुझे ना एक लिप बाम किसी ने सजेस्ट किया था वीडियो पे ही, मैं वो लिप बाम ढूंढ रही हूँ. मुझे उसका ब्रांड याद नहीं है बट मैं उसको देख कर पहचान जाऊँगी. आज तो मेरा शॉपिंग डे था भाई. मैंने कोट भी ले लिया, पारी ड्रेस भी ले ली और फाउंडेशन भी ले लिया, प्राइमर भी ले लिया. मज़े आ गए भाई. तो $122 खर्च किए मैंने 2 चीज़ों पे, फाउंडेशन पे और प्राइमर पे. और $127 अभी मेरे पास मेरे कार्ड में बचे हुए हैं. अब घर चले. सफल हो गया आज का आना. हाँ जी सफल इसलिए हुआ कि हमारा एक लैपटॉप वापस हो गया है. जब मैंने 2-2 खरीद लिए थे तो हम इतने जाके वो एक लैपटॉप वापस कर दिया है. कैसा लग रहा है मैं आपको दिखाई देती हूँ आज की वीडियो में ही. क्यों सस्पेंस क्रिएट करूँ कि अगली वीडियो में देखो. एनीवेज आपको एक बात आनी है. मेरी फ्रेंड है दीपिका जिसको आपने मेरी करवा चौथ की वीडियो में भी देखा हुआ है, क्रिसमस पार्टी में भी मिले होंगे और न्यू ईयर पार्टी में भी देखा होगा. वो ऑनलाइन बुटीक चलाती है अपना धीरा कचूर के नाम से. इंस्टाग्राम पे उनका पेज है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उनको देख सकते हो. दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन लेकिन उन्होंने मुझे क्रिसमस पे ये क्लच गिफ्ट किया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा. तो मुझे लगा कि मेरे को आपको ही बताना चाहिए. जैसे आप उनसे पूछते रहते हो कि यार ड्रेसेस कहाँ से लिए या ये चीज़ कहाँ से लिए, तो हो सकता है आप कभी मेरे हाथ में सुंदर सा क्लच देखो और आप उनसे पूछो कि ये कहाँ से लिया है. तो ये दीपिका ने मुझे गिफ्ट किया है और उनकी सिस्टर इंडिया में ये बुटीक चलाती है और वो यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है इंटरनेशनल, हर जगह वो भेज सकते हैं. तो अगर आपको ऐसा क्लच या और भी उनकी वेबसाइट पर उनके इंस्टाग्राम पेज पे और क्लच देख रहे हैं या फिर वो ड्रेसेस भी शिप करती है, ड्रेसेस भी बनाती है बिकॉज बुटीक है पूरा, तो चेक आउट देयर इंस्टाग्राम पेज. ओके बहुत ब्यूटीफुल डिजाइन है क्लच के, ड्रेसेस के, एथनिक वेयर के. Like the video. Yeah. Like the video. And share the video to other people. Share the video to other people. Thank you. Happy birthday, Karan. करण नथवानी का बर्थडे आज 3 जनवरी, जो मेरे सब्सक्राइबर संगीता जी के बेटे हैं और टोरंटो में है. सो करण विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे. तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. हमसे मिलो कल की वीडियो में. संगीता संगीता ये और संगीता आंटी है जो हमारी सब्सक्राइबर है. गाइस हमसे मिलो कल की वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना. बाय.